चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। विक्रम लैंडर रविवार सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच चांद के और करीब पहुंच गया। अब विक्रम चांद से महज 25 किलोमीटर दूर रह गया है। इससे पहले वो 113 किलोमीटर बाय 157 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। दूसरे डिबूस्टिंग ऑपरेशन यानी रफ्तार कम करने की प्रक्रिया ने ऑर्बिट को 25 किलोमीटर बाय 134 किलोमीटर तक कम कर दिया है। यानी अब चांद की सतह से विक्रम लैंडर की दूरी महज 25 किलोमीटर ही बची है। अब बस 23 अगस्त को सफल लैंडिंग का इंतजार है। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि पहले बताया गया था कि लैंडर चांद पर शाम 5:45 पर लैंड करेगा, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। लैंडिंग से पहले मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा और निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर सूर्योदय का इंतजार करना होगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार का कम होना सबसे जरूरी है। लैंडिंग मिशन में यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके पहले 18 अगस्त को डीबूस्टिंग की पहली प्रक्रिया की गई थी। रविवार को हुई दूसरी और आखिरी डीबूस्टिंग के बारे में इसरो ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा और इसने ऑर्बिट को 25 किलोमीटर बाय 134 किलोमीटर कर दिया है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पावर्ड डिसेंट 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार शाम लगभग 5:45 से शुरू होने की उम्मीद है। लैंडर विक्रम इस समय चांद के ऐसी ऑर्बिट में है जहां चंद्रमा का निकटतम बिंदु 25 किलोमीटर और सबसे दूर 134 किलोमीटर है। इसी कक्षा से ये बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई मिशन नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि इसरो ने चंद्रयान को यहाँ पर भेजा है। लैंडर विक्रम स्वचालित मोड में चंद्रमा की कक्षा में उतर रहा है। आपको बता दें ये खुद फैसला ले रहा है कि इसे आगे की प्रक्रिया को किस तरह से करना है। चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद भारत इस सफलता को हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ही ऐसा कर चुके हैं। इस समय विक्रम लैंडर उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी रेट्रो फायरिंग कर रहा है। विक्रम लैंडर अब अपनी ऊंचाई कम करने के साथ साथ गति भी धीमी कर रहा है। पहले से ही तैयारी ये थी कि 20 अगस्त की रात होने वाली डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा से सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाए। चांद के चारों तरफ चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट मैन्यूवर 16 अगस्त 2023 को किया गया था जब लॉन्चिंग हुई थी। तब इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में लाएंगे, उसके बाद प्रोपल्शन और विक्रम लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।